बात एक और बैठक की करेंगे। और दरअसल एससीओ बैठक का जब हम जिक्र करते हैं, तो पिछले दिनों आपने देखा कि एससीओ बैठक के अंदर किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री नजर आए, साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, खासकर मुद्दा अफगानिस्तान ही था। लेकिन अब एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचना हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, लद्दाख सीमा पर उपजे हालात पर बात हो सकती है। फिलहाल ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बात होगी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात हो चुकी है एससीओ बैठक के अंदर ही, लेकिन बैठक का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान ही बताया जा रहा है। और आपको खबर दे रहे हैं कि एससीओ बैठक में शामिल होने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बैठक तजाकिस्तान के अंदर हो रही है और लद्दाख सीमा पर उपजे हालात पर चर्चा कहा जा रहा है कि हो सकती है, क्योंकि एससीओ बैठक में इस वक्त बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान है, तालिबान है, क्योंकि तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान पर लगातार कब्जा कर रहा है और अब इसको लेकर भी आवाजें उठ रही हैं एससीओ बैठक के अंदर। हालांकि अगर बात करें चीन की, बात करें पाकिस्तान की, तो चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी एससीओ बैठक में होने वाली है। और हम आपको खबरों से अपडेट कर रहे हैं कि इस एससीओ बैठक में आखिर होने क्या वाला है, क्या वाकई चीन से बातचीत की जाएगी, क्या वाकई पाकिस्तान से बात होगी, और लद्दाख के अंदर जो हम सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं, क्या चीन से बातचीत के बाद वो मसला हल हो पाएगा। हालांकि अगर बात करें चीन के विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हो चुकी है भारत के विदेश मंत्री की, और ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के संबंधों को प्रगाढ़ करें ताकि खटास उसमें ना आए। लेकिन अब जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत होगी या फिर नहीं होगी, वो तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक ही कमरे के अंदर एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और चीन के रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। फिलहाल मुद्दा अफगानिस्तान कहा जा रहा है, मुद्दा चीन कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं एससीओ बैठक की, क्योंकि एससीओ बैठक में शामिल होने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एसएस पठानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब एक बार फिर पांच के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पठानिया साहब, एससीओ मीटिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले दिनों जो हम चर्चा कर रहे थे विदेश मंत्री की, कि विदेश मंत्री साहब का पहुंचना हुआ है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत रखी जा रही है, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचना हो रहा है एससीओ बैठक के अंदर, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्योंकि एक मसला लद्दाख का भी है, क्या उस मसले पर भी बातचीत होगी चीन के विदेश मंत्री के साथ, या फिर मुद्दा अफगानिस्तान ही रहेगा? पठानिया साहब, देखिए ऐसी ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग हो रही है जिसमें हमारे रक्षा मंत्री साहब जा रहे हैं, ये मीटिंग है, और अभी जो हालात अफगानिस्तान में चल रहे हैं तो उसमें उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो एजेंडा मीटिंग का तय हुआ है जी, वो लद्दाख के ऊपर कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है, और ऐसी मीटिंग में जब दो रक्षा मंत्री मिलते हैं, अगर ये लद्दाख एजेंडे पे होता कि इसके ऊपर बात की जाएगी, मे बी इन द साइड लाइन ऑफ द मीटिंग दे टॉक अबाउट इट, बिकॉज ए कंट्री हैज टू प्रिपेयर इट्स स्टांस। एक रक्षा मंत्री चाहे इंडिया का हो चाहे चाइना का हो, उसके पास पहले ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ये बात शुरू होती है तो उसके ऊपर हमारा क्या स्टांस रहेगा, हमारा क्या उसके ऊपर रवैया रहेगा। तो एक इनफॉर्मल सी चैट जो है वो रूल आउट नहीं हो सकती है, बट वेन यू से एक स्ट्रक्चर टॉक या ऑफिशियल टॉक विच कैन यील्ड अस सम रिजल्ट, दैट मे नॉट हैपन। इनफॉर्मल टॉक, यस, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। अभी जहां तक हम अपनी बात करते हैं चाइना के साथ, इससे हमारी जो रिलेशनशिप है वो एक बड़ी ही डेलिकेटली पॉइज्ड है। आपको पता ही है इसका कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग और जेपसोंग प्लेन, ये और डेमचॉक विलेज, ये चार मेन इश्यूज हैं जिसके अंदर अभी चाइना जो है वो इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, और उसकी स्ट्रेटेजी है कि इसको जितना ज्यादा डिले किया जाए, जितना ज्यादा स्टॉल किया जाए, क्योंकि जब विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी चाइना की तरफ से कोई इसकारमा तक रुख नहीं आया था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, जैसे कि विल से, बिकॉज उनका जो रुख है, उनका जो स्टांस है, उनकी जो प्रायोरिटीज है वो है टू कंसोलिडेट द लैंड विच दे हैव इंक्लूडेड। अभी लेट्स सी हाउ इट हैपन, बट मेन मुद्दा इसका रहेगा, देखिए तालिबान इश्यू जो है पूरे रीजन को अफेक्ट कर रहा है एडवर्सली, इसके अंदर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया जो कभी एक टाइम में
इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था तालिबान का और उनका एक किस्म का मास्टर था, वो भी अपना स्टांस जो है बदल रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी जो आर्मर्ड एक्सरसाइज होनी है अगस्त के अंदर, उससे पहले अपनी इन्फेंट्री के व्हीकल्स एंड इन्फेंट्री वहां पे भेजते हैं। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सीलिंग द बॉर्डर विद तालिबान, बिकॉज तालिबान के ऊपर यू कैन नेवर ट्रस्ट कि वो कब घुस जाते हैं, और उसके बाद रिफ्यूजी की प्रॉब्लम भी है। सो नो कंट्री वॉन्ट्स टू फेस दीज काइंड ऑफ ए सिचुएशन एट गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग। पाकिस्तान को आस्ते आस्ते अभी होश आना शुरू हो गई है, टर्की जो है उसने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, चाइना जो है वो साइड लाइन पे वेट एंड वॉच की मोड में है, एंड वो जो भी करेंगे वो सामने आके नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के थ्रू करवाएंगे। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द चाइना। पठानिया साहब, लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की पूरी मदद की जा रही है। अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, ये कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से भी तालिबान को पूरी शह दी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के संबंध हम देखते हैं इराक के साथ कैसे हैं। अब तो खबर ये भी है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनको कह रहा है इराक की जी हमारे यहाँ आ जाइए, उसके बाद हम अफगानिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इराक भी इसमें शामिल है, क्योंकि अफगानिस्तान को वो सबक सिखाना चाहता है। ऐसे में कितने चुनौती रहेगी कि जो तमाम देश हैं एक साथ एक टेबल पर हों और इस पर चर्चा की जाए खासकर। देखिए पाकिस्तान कितनी बड़ी पावर है, उनकी इंटरनल सिचुएशन कैसी है, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है, वो किस तरह चाइना के आगे घुटने टेक चुके हैं, दिस वी ऑल नो राइट नाउ। इराक जो है वो आपको पता है एक वॉर रेवेज नेशन है, और उसके अंदर ये कर्ड इशू उनकी अपनी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम। और ये जो तालिबान को बेसिकली सपोर्ट कौन कर रहा है, ये ISIS और ये जो अलकायदा के मिलिटेंट्स है और मर्सनरीज इनको बोल लीजिए, तो दे ऑल आर यू नो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वेरियस मिलिटेंट एंड जिहादीज एंड मर्सनरीज एंड लेड बाय द अफगानिस्तान ट्राइब बेसिकली, बिकॉज उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो स्पिरिट ऑफ कोनी जो एक सेना के अंदर होती है, वो लूज लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और हालात को वो पहले वो क्योंकि उनको सक्सेस मिल गई थी 96 में व्हेन दे फॉर्मुलेटेड द गवर्नमेंट फॉर 5 इयर्स, बट अभी जो अफगानिस्तान के अंदर वाले लोग हैं वो भी आस्ते आस्ते उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। और अफगानिस्तान की जो आर्मी अभी है एंड ड्यूटी सपोर्ट, देखिए जो भी अच्छी कंट्री वर्ल्ड में है, जो शांति प्रिय देश है, वो इस समय अफगानिस्तान की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवरटली या कोवर्टली मदद करेंगे, पैसे से भी मदद करेंगे, एम्यूजन से भी मदद करेंगे, वो अपनी सेनाएं शायद ना भेजें, बट बाकी जो पूरी मदद है वो अफगानिस्तान की जाएगी। और आने वाले समय में, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग होता जाएगा पाकिस्तान की समझ में आता जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर भी वो तलवार लटक रही है। देखिए ये जो पश्तून है ये सिर्फ अफगानिस्तान या जो मुजाहिदीन है या तालिबान है, ये इनकी नजर सिर्फ अफगानिस्तान पे नहीं है, इनकी नजर पाकिस्तान पे भी है। और इनके जो अभी जो सुरक्षा सलाहकार है अफगानिस्तान के, वो अगर नवाज शरीफ से जाके मिले हैं तो उसको काफी बड़ी घटना है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज ए वेरी डोमिनेंट यू नो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ कार्डर एंड सपोर्टर्स। पठानिया साहब, इस बात को मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आज दिनी में चतुर्वेदी साहब से बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है, जो ये दिखाने की माफ करिएगा, जो तालिबान है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है जी हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अब आप बंदूक थाम के ये कह रहे हैं कि हम लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं और लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि हाँ अगर आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार बनेगी तो उसको भी कई देशों की जरूरत होगी, संबंध अच्छे बनाने होंगे, क्या ये धीरे धीरे समझा जा रहा है तालिबान की तरफ से? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो लगातार बातें सामने आ रही, कहा जा रहा है कि महिलाएं काम भी कर सकती हैं, जो महिलाओं को कोड़े मारने का काम वो कर रहा है सड़क पर, और वो कहता है कि महिलाएं काम भी कर सकती है, तो दुनिया में छवि बनानी भी तो है एक तरह से, क्या वो दिखावा करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए पुरानी कहावत है आर्य जी कि लेपर जो है वो अपने स्पॉट जो है वो बदल नहीं सकता है। जी तालिबान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों ने 5 साल तक झेली है, उसके अंदर कितनी क्रूरता इन्होंने बरती थी, कितना इन्होंने बच्चों को मारा था, कितना इन्होंने लेडीज को सताया था, और कितना उन्होंने लोकल को सताया था, दैट एवरीबडी नोज, बट देन दैट टाइम पीपल हैड नो ऑप्शन। अभी तो वो सिचुएशन आ गई है कि अफगानिस्तान के लोग इस समय इंक्लूडिंग इंडियन सिख जो है वो वहां से भाग रहे हैं, वो एज ए रिफ्यूजी दे आर रनिंग हेयर एंड देयर वेर एवर दे कैन गेट द शेल्टर, वो लोग जो है उनको अपने अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो उस सिचुएशन में
ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द अफगानी, अपने रीजन के लिए कर रहे हैं, बट एवरीबॉडी इज नो दे आर ट्राइंग टू इम्पोज दैट शरिया, और शरिया जब किसी के ऊपर फोर्स आता है देन अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड देन एवरीबॉडी, बच्चे से लेके महिलाएं जवान बूढ़े सब के सब सफर करेंगे, एंड अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर के बनने की जो चांसेस है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस तालिबान कम्स टू द पावर, बट मेरे अपने हिसाब से वेरी अनलाइकली दैट दे विल सक्सीड इन देयर मिशन। लेकिन पठानिया साहब एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि एसटीओ बैठक का जब हम लगातार जिक्र करते हैं, तो पिछले दिनों मैं आप ही से बातचीत कर रहा था कि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर तालिबान का कब्जा कहीं ना कहीं हो गया है, लेकिन अब जो काबुल की ओर बढ़ा जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से तो कई इलाकों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है कि तालिबान आगे ना आ सके, लेकिन अब काबुल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या मान लिया जाए कि अगर काबुल पर कब्जा तालिबान का हो गया है तो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबान ने कर लिया है, क्या ऐसा माना जाए, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं इस बातों को? अगर अगर काबुल पे वो कब्जा कर लेते हैं safely assume that Taliban are in power. लेकिन अभी तक ये जो इनके provincial capitals हैं उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ये इतना बड़ा एरिया सिर्फ रूरल एरिया और inhospitable terrain के अंदर जहाँ rugged terrain है जहाँ पे अफगानिस्तान की फौज नहीं है, तो दूसरी प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है they cannot fight everywhere. तो उन्होंने क्या किया है कि अपने कुछ एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने तालिबान को आगे नहीं बढ़ने देना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूएस ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है, बिल्कुल, उसके अलावा इंडिया ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एमुनिशन विच इज इन द पब्लिक डोमेन। तो ये सारी जब चीजें आती हैं तो एक जो आर्मी लड़ रही है ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नॉट ए तालिबान आर्मी बिकॉज आई कांट कॉल देम आर्मी, दे आर जस्ट एज ए टोल्ड यू द ग्रुप ऑफ यू नो मिलिटेंट सारी नो इंसर्जेंट बोल लीजिए, और उनके अपने वॉरलॉर्ड हैं। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो उनके अपने अपने वॉरलॉर्ड हैं, उनमें से ज्यादातर जो वार्ड लॉर्ड है उनकी अपनी अपनी एक आर्मी है, वो उनमें से ज्यादातर तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा इसको देखेंगे पूरे परिपक्ष में, मैं जिसको बोलता हूँ कि टोटेलिटी व्हेन यू ट्राई टू एनालाइज एंड गिव असेसमेंट, वेरी अनलाइकली दैट पाकिस्तान तालिबान विल कम इन पावर। पाकिस्तान के पास और दूसरा देखिए एससीओ इज ए वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रीजन, दिस इज अ फोर्स व्हिच वाज क्रिएटेड इन 2001 basically to counterbalance the NATO alliance. तो अभी अगर ये decision ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये SCO के अंदर ही decision लिया जाता है कि हमने तालिबान को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो तालिबान game is over. ठीक है पठानिया साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या, क्योंकि तालिबान जो कह रहा है कि हमने 85% इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, क्या वाकई ऐसा हो गया है? क्योंकि अफगानिस्तान को तो अपने हाथ ही लड़ना होगा, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, एक कहावत है कि घर बनाते हैं तो उसकी रखवाली हमें खुद ही करनी पड़ती है, कोई बाहर से रखवाली करने नहीं आता है, तो क्या अफगानिस्तान को ये समझ में आ गया है कि नहीं अब खुद ही लड़ना पड़ेगा, ना अमेरिका का साथ ना कि हाँ दोस्त हो सकते हैं, कई देश हैं उसका साथ लेने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास अफगानिस्तान को करना होगा कि अपने लोगों को बचाना है? बिल्कुल, वो उसी दिशा में हर जी अग्रसर हो रखे हैं। देखिए यूएसए ने जब विड्रॉ किया था उससे पहले उन्होंने पूरी जो है डिस्कस किया होगा इस इशू को कि क्या अफगान सेना जो है आत्मनिर्भर है अपने आप को या अपने देश को बचाने के लिए, सो दे आर यू नो दे आर कमिटेड टू दैट एंड दैट इज द रीजन। ये जो जैसे हम आपको बता रहे हो ना कि ये जो 85% या 90% क्लेम की बात आ रही है, ये सारा रूरल एरिया है। देखिए 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसके अंदर 15 इनके प्रोविंशियल कैपिटल है और काबुल है। अभी तक लोग ये कंधार को भी ये इन्होंने क्या किया कि सराउंड करके बैठ गए हैं, बट दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ ए वेयर विद ऑल और विल टू अटैक एंड कैप्चर। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इनकी जो कैजुअलिटीज हैं तालिबान की वो बढ़ती जा रही हैं। तो कोई भी सेना को जब ये लगता है कि मेरा जो मोराल है वो ऊपर है, दे आर पीपल टू सपोर्ट मी, दे आर अदर कंट्रीज एंड गुड पीपल विच आर सपोर्टिंग मी, तो अफगानिस्तान की जो सेना है उसका आस्ते आस्ते मोराल बढ़ेगा, उनके पास वेरविंद आ जाएगी, वेपन आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, एम्यूनिशन आ जाएगा, और आस्ते आस्ते इनको वो खदेड़ रहे हैं और वो खदेड़ेंगे, और वो एक सिचुएशन आएगी जिसमें तालिबान के पास उनकी कोशिश फिर भी ये रहेगी कि हम किसी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर अपना हिस्सा डाल दें। बिल्कुल, तो वो
कितना डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हाउ मच परसेंटेज दे विल बी गिवन इन द एज फॉर द पावर शेयरिंग इज कंसर्न, बट वी कैन सेफली एज्यूम दैट तालिबान एज ए ग्रुप विल नेवर रूल द अफगानिस्तान अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांस. अगर कल को चीजें बदल जाती हैं दैट आई रियली वुड बी एबल टू कमेंट. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए पांच के पंच में और समझाने के लिए कि आखिर एससीयू बैठक के अंदर कौन सी बातें रखी जाएंगी और क्या कुछ अफगानिस्तान तालिबान के बीच चल रहा है. और पठानिया साहब ये दरअसल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बातें तो कई सारी सामने आ रही है लेकिन सच्चाई पीछे की कुछ और ही है.